हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो आज है हरेले का त्यौहार, तो उत्तराखंड में आज जो है हरेले का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं अभी आया हूँ मामा जी के यहाँ। तो मामा जी ने जो है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, सारे फल फ्रूट के लगा दिए हैं। आज के दिन जो है पूरे उत्तराखंड में सभी लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं और साथ ही जो है त्यौहार मनाते हैं, मेले भी लगते हैं। तो अब जो है सभी जगह आपको हरियाली देखने को मिलेगी। तो बरसातों का मौसम आ चुका है और हरेले के दिन तो लगभग बारिश होती ही है, तो इस मौसम में पेड़ लगाने से जो है पेड़ सूखता नहीं है। लगभग जो है आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ उग ही जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस त्यौहार को जो है राष्ट्रीय त्यौहार घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सभी जगह पेड़ लगेंगे तो मतलब भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अगर पेड़ लग जाएं तो पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, गर्मी नहीं होगी। तो ये है आरओ मशीन, तो मैं अपने टूल ले आया हूँ ऐसे। तो इस आरओ को ठीक करने के लिए मैकेनिक 3,300 मांग रहा था। ये मोटर ख़राब हो गई, बाकी मैंने इसे खोल के देख लिया था, ख़राब है, पर इसे ठीक कर दूंगा मैं। और बाकी त्यौहार का दिन है, हमारी मामी जी बना रही है आज पकौड़े वकौड़े, पकवान बनते हैं। यहाँ रोशनी नहा धो के तैयार हो गई है, क्या कर रही है। अच्छा, इसका तो अभी नाश्ता, लेट के खाना खाते हैं ऐसे खाते हैं। और इसका एक कार्टून देखा जा रहा है। तो इस मोटर में जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी कार्बन की, तो ये कार्बन बुश खराब हो गए हैं, तो मैंने मंगा दिए हैं। तो इस तरह के होते हैं, तो 20 रुपये का एक है, तो 40 रुपये का खर्चा है इसमें। तो ये देखिए इस तरह का है, तो 40 रुपये का आइटम लगता है इसमें। और ये जो है मोटर 1800 रुपये की, वो बंदा बोला कि 1800 रुपये लगेंगे, बाकी मेम्ब्रेन चेंज करने के 1500। तो अब बताओ यार, कोई व्यक्ति 1500 रुपये क्यों खर्च करेगा जब ये सही है। तो मैं मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रॉनिक वर्क 20 साल से कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनली मैं काम तो नहीं करता हूँ, बाकी जो है अपने खुद के काम, अपने रिलेशन आस पड़ोस कर देता हूँ, तो इसके मैं कोई चार्जेस भी नहीं लेता हूँ। तो मुझे जो चाहिए था वो सिर्फ ये चाहिए, तो मैंने ये चीज़ निकाल के रख दी है। तो अब मैं इसको जो है इसमें जोड़ दूंगा, तो ये हटा दूंगा इतना। तो भाई इतने से आइटम के लिए ये मोटर बंद पड़ा था। तो यहाँ पर सोल्डिंग करने का भी एक खास तरीका होता है, अगर इसे सही से नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क जो है आपका किया हुआ बेकार हो जाएगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो बहुत सारे मैकेनिक सोल्डिंग नहीं कर पाते हैं, वो टीवी रेडियो कुछ भी सही करेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा कुछ दिन चलने के बाद जल्दी से। तो अगर आपने सही किया है तो सालों साल कुछ नहीं होता है, तो इसलिए जो है लोग कहते भी हैं कि एक बार चीज़ बन गई तो दोबारा फिर वैसे नहीं बन पाती है, पर ऐसा नहीं है। तो अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ, हमारे मामा जी ने हमारे लिए नाश्ता लगा दिया है, तो अब सभी लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर जो है पोहे बनाए गए हैं, आलू के गुटके हैं, पकौड़े हैं, बाकी सॉस, बाकी दही और छाछ भी है, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि मेरे को टाइफाइड काफ़ी बार हो रहा है। अभी मैं ठीक हूँ, दवाई ले रहा हूँ एंटीबायोटिक, तो दिक्कत क्या है कि मेरे को टाइफाइड हर 6-6 महीने में हो जा रहा है, तो इसलिए मैं जो है काफ़ी परहेज कर रहा हूँ ठंडी चीज़ों से। तो अब नाश्ता कर लेते हैं। तो बाकी हमारे यहाँ त्यौहार जब मनाया जाता है तो टीका चंदन लगाते हैं, हरेला भी रखते हैं कान पे। तो मैकेनिकल वर्क में एक छोटा सा पुर्जा भी खो जाता है तो काम रुक जाता है, तो मिलता भी नहीं आसानी से फिर। तो अब जो है इसको जल्दी से मैं ठीक कर लेता हूँ, फिर से कहीं कुछ और ना हो जाए। तो गाइस देखो, बारिश शुरू हो गई है, तो आज के दिन बारिश ज़रूर होती है हर साल, तो बारिश शुरू हो भी गई है। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इसे बना दिया है, तो बनाने में तो 1-2 घंटे लगे, लेकिन इन चीज़ों को सीखने में सालों लगते हैं, तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं काफ़ी मैकेनिकल काम करता हूँ, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो, कोई भी मशीन हो, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बाकी XYZ सारी मशीन ठीक कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने तार जो चेंज कर दिए, नई लगा दी, बढ़िया करके मजबूत कर दिया है, तो काफ़ी टाइम भी ख़राब नहीं होगा। अब इसे चला के देख लेते हैं, तो ये ऑन हो गया है, बाकी इसको चेक करेंगे पानी डाल के, इसकी मोटर चल रही है। तो हमारा जीमी भीग गया है, तो मैंने इसे बांध दिया है साइड में, पर ये अंदर जा नहीं रहा है। तो ये हमारी बिल्लियाँ तो यहीं पे बैठी रहती हैं, सेम टू सेम है दो के दो। तो ये बिल्ली इधर देख। तो गाइस अभी मैं ड्यूटी जा रहा था और हमारे बिल्ली ने ऐसा काम कर दिया, देखो। तो यहाँ पर देखो, मंदिर के सामने जो है बिल्ली यहाँ पर लाके इसे मार रही है, तो ऐसे में क्या होगा देखो, ये जो है अंदर ले आते हैं, बताओ सांप को कैसे कर के ला रहा है देखो। तो ये बिल्लू, तो गाइस बिल्ली पालने का यही नुकसान है, ये सांप कीड़े कुछ भी अंदर ले आते हैं, और आज भी इसने यहाँ रख दिया है, तो नीचे कपड़ा रखा उस पर लेके आके खाने की कोशिश करता है, पर ये खाएगा नहीं सांप, मतलब बिल्ली कभी सांप को नहीं खाती है, खाली ला के मारते खेलती बस हो गया। और अगर ये सांप यहाँ छूट गया कहीं तो पक्का काटेगा, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसको नाखून नाखून मार दिया, अगर वो पड़ा रहेगा तो भाई देखा नहीं तो काट ही देगा। तो एक गद्दा नीचे भी गद्दा रखा था, तो ये बिल्लियाँ सोती ही इसमें, और अब इसके अंदर चला गया वो। बिल्ली सांप लेके गया, बाहर रखो देखो।
तो गाइज आज जो है हरेले का दिन है और जो है आज से ही उत्तराखंड में जो है सावन का महीना शुरू होता है। तो आज सोमवार भी है और ऐसे में जो है मंदिर में सांप आया है तो हम जो है इसे मार नहीं सकते और इसे जो है बचा के बाहर ले जाना ही सही होगा। तो इसे मैं फेंकने जा रहा हूँ और ये जो है अब मुझे ना ये अगल बगल जो झाड़ी यहाँ से चलने में डर लग रहा है। ये देखो गिर गया। तो ये सांप जो है अभी जिंदा है, देखो अभी ये मरा नहीं है। तो बिल्ली से मारी नहीं पूरी तरह से, अब मुझे इसको फेंक के आता हूँ। भाई बच्चे मरे पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये देखो तो सांप जो है, तो यहाँ मेरी बिल्लियाँ हैं बहुत सारी। ओए बिल्लो आ जा, कहाँ जा रहा तू? तो ये देखो मेरी बिल्ली यहीं रहती रास्ते में। तो गाइस मेरी पाली भी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। एक और आ गया देखो मेरे यहाँ पर आते ही, ये बिल्लियाँ यहीं रहती रास्ते पे, जब भी जाता हूँ मिल जाती हैं। ये देखो दोनों आ गई हैं, 8-10 बिल्लियाँ हैं मेरी। तो ये बिल्ले हैं, बिल्ली नहीं है। तो ये दोनों यहीं रहते हैं हमेशा। बाकी सांप मैं फेंक के आता हूँ। तो मैंने सांप को यहाँ फेंक दिया है, जो भी रहेगा चलते हैं। बाकी अपनी बिल्ली यहाँ सोई हुई, तो ये यहीं रहते हैं। तो अब मेरी ड्यूटी मिस हो गई है, तो अब मैं काम कर लेता हूँ कुछ। तो ये स्टैंड मेरा बहुत दिन से पड़ा है बाहर पे, इसको रंग वंग सही से करके जो है ये जंग वंग निकाल के अब मैं इसको फिट करता हूँ ताकि सामान नीचे ना पड़ा रहे। तो मैंने ये पेंट कर दिया है और अब इसको अंदर रखते हैं। तो गाइज मैं ड्यूटी तो जा नहीं पाया, तो अब बाइक बना लेता हूँ। तो यह है TVS ट्यूब, जो कि मैं कंपनी से ही लेके आया था। तो हमारी कंपनी में टायर ट्यूब मिल जाते हैं। तो ये है नया टायर, तो इसे डाल लेते हैं। तो इसमें ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, नया टायर है, बार बार बदलने का झाड़ नहीं रहेगा। तो नया ट्यूब नया टायर डाल लेते हैं। तो गाइज जब भी आप टायर लगाते हो तो इसका एरो निशान देख लो, रोटेशन यहाँ पर लिखा गया है। तो रिम के जो है इस तरफ को टायर घूमता है, तो उल्टा लगाओगे तो आपकी ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी, ब्रेकिंग ख़राब होगी। तो इसलिए जो है टायर लगाते टाइम इसका ध्यान दो। तो बहुत सारे मैकेनिक इसे जानते भी नहीं है। तो ये है टायर, तो मैंने फिट कर दिया है। तो अपने पास सारे टूल हैं, हवा भरने से लेके और टायर खोलना, चिपकाना, पिंचर विंचर, ट्यूबलेस के लिए भी है। तो ये ट्यूब टायर है, तो वो मेरी है गाड़ी FG 250। तो जब भी आप टायर लगाते हो तो 30 PSI ही भरें, क्योंकि ज़्यादा भरने से आपका टायर जल्दी घिस जाएगा, वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा, भगाने पे जो है ज़्यादा तेज़ भगाने पे ग्रिप नहीं आने से ब्रेक नहीं लगेंगे और इंजन भी जल्दी ख़राब होगा। अगर आप 30 PSI भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे 100 CC की बाइक हो या 200-300, तो उसमें 30 PSI तक ही भरा जाता है। तो दोस्तों बिंदु खत्ता की रोडों की हालत कुछ ऐसी है, तो बहुत ख़राब है यहाँ की रोडें। तो पता नहीं कब बनेंगी सारी की सारी रोडें, तो तालाब हुआ पड़ा यार। और 2-3 साल से ये रोड भी ऐसा ही है, पता नहीं कब बनेगा। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ कोला नदी के पास, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ कोला नदी में और ये देखो इतना बड़ा नदी है। तो वहाँ पहाड़ों से नदी बह के आती है और ये पहुँचती है हमारे यहाँ शांतिपुरी होते हुए सीधे UP बिहार जो है, तो आगे जाके बाढ़ का रूप ले लेती है। तो यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। तो ये बरसातों में ये पूरा भर जाता है, तो यही देखने यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, पर आज तो भरा नहीं है। तो पहाड़ों में बारिश मेरे ख्याल से कम हो रही है। तो नदी में पानी तो कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो बाकी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो रील बना रहे हैं, तो इनके पास बाइक भी अच्छी खासी है। तो बाकी जो रास्ता है बहुत ख़राब है, तो यहाँ के लिए जो है सस्ती गाड़ी कामयाब है। तो मैं इसको ले आया हूँ, तो इसमें दिक्कत नहीं आती, फंस भी जाएगी उठा लेंगे। तो यहाँ मैं सभी जगह घूम गया हूँ और इधर पानी का जो स्रोत है, मतलब जगह जगह नाला बह रहा है, बाकी ये पूरा भर जाता है वैसे तो। तो यहाँ तो आने का मतलब ही नहीं होता जब भर जाता है। बाकी यहाँ गोला देखने बहुत सारे लोग आते हैं, तो लोकल के ही लोग हैं, और उधर जंगल है पूरा। तो मैं अपने घर से 10-12 किलोमीटर दूर आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भी और आगे, तो करीबन 5-6 किलोमीटर और आगे जा रहा हूँ। तो ये गोला के किनारे किनारे, मतलब तो इस साइड से रास्ता बना गाड़ी का ही, तो बहुत आगे तक जाता है। और उधर एक गांव है जहां पर मतलब बहुत सारे मकान बह गए थे, तो पिछली बार 5 मकान बहे थे और बाकी जो है ज़मीन काफ़ी नुकसान हो गया था कटाव की वजह से, 5-7 एकड़ ज़मीन चली गई थी। तो गाइस यहां पर जो है पूरा डिवाइडरी टूट गया देखो। तो ये वो जगह है जहाँ पर मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पूरा वहाँ तक कटा हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पर पानी को रोकने के लिए बनाया गया था डिवाइडर टाइप का, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया, पानी आया ही इतना ज़्यादा था। तो उधर देखिए ये पूरा जो है कटा हुआ है। तो ये जो जगह है ना, तो यहाँ गोला वहाँ थी और ये जो है यहाँ कट गया पूरा, लोगों की ज़मीन जा चुकी है। चलो आगे चल के दिखाता हूँ उस जगह को भी।
तो गाइस ये वो मकान है जो बहने से अभी बचा हुआ है, तो लेकिन मिट्टी का कटाव हो ही रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर इस तरह से पत्थर लगा दिए गए हैं। तो पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, पता नहीं इससे रुकेगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते, पर कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, तो ये ऊपर मकान है और यहाँ पर पूरा ये कटाव हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ 15-20 मकान तो बह चुके हैं पहले भी उस तरफ, और बाकी ये अभी है, पता नहीं, कोशिश की जा रही है, देखो क्या हो पाता है। तो यहाँ पर लग गए हैं, तार वार लगा दी है, पत्थर रख दिए हैं। तो भाई वहाँ तक तो पूरी ज़मीन थी कभी, और अब जो है यहाँ तक गोला पहुँच चुकी है अब इसे रोकने के लिए। तो वहाँ पर पूरे पत्थरों की लाइन लगा दी है, तो उसे ऊँचा कर देंगे उस जगह से, तो पानी इधर को कम आएगा। लेकिन ये उपाय सक्सेस होगा या नहीं कोई पता नहीं। तो सबसे अच्छा दृश्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सभी जानवर, देखो गाय बैल जो भी हैं, तो यहाँ पर घास चुंग रहे हैं, तो ये अच्छा एरिया है इनके लिए। तो ऐसा जो वातावरण होता है एकदम साफ़ सुथरा, एकदम मैदान सा ना, एकदम हरा भरा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं जब भी आता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है, और स्कूल से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। तो यहाँ पर आते थे हम स्कूल टाइम पर, तो कभी कभी आते थे, मतलब रोज़ तो नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।